हेलो गाइस दोस्तों, YouTube की तरफ से आज सुबह सुबह पांच इंपॉर्टेंट अपडेट आए हैं जो कि सभी क्रिएटर्स को जानना बेहद जरूरी है। शुरुआत करते हैं सभी अपडेट्स का। सबसे पहला अपडेट है YouTube हैंडल्स को लेके। जो लोग YouTube हैंडल से सेटिस्फाइड नहीं है अपने, उनको अपना मनपसंद हैंडल नहीं मिला है, तो आपके पास एक बढ़िया मौका है अब कि अभी YouTube ने अपने YouTube हैंडल के लैंग्वेजेस में बहुत सारे एडिशनल लैंग्वेजेस को ला दिया, यानी अब 75 लैंग्वेजेस को ला दिया गया, जिसमें कि हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। ये लिस्ट है, इसमें से जो भी आपको पसंद है वो लैंग्वेज में अपना YouTube हैंडल बना सकते हैं दोस्तों और शेयर कर सकते हैं, राइट। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपका मनपसंद हैंडल मिल जाएगा और आप उसे आसानी से शेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए, जाके चेंज कीजिए। अगर आपको ये हैंडल पसंद नहीं आता है तो आपको 14 दिन के अंदर आपका पुराना जो हैंडल था वो आप स्टिल रीस्टोर कर सकते हैं, वो ले सकते हैं 14 दिन के अंदर, ठीक है। तो आप जाइए, अगर आप पसंद नहीं आपका अपना करंट हैंडल तो आप उसे चेंज कीजिए दूसरे लैंग्वेजेस में, अल्फा न्यूमेरिक जो भी हो, कुछ स्पेशल करेक्टर को मिला के बना सकते हैं। और अगर पसंद नहीं आता है तो आप 14 दिन तक वापस करते हैं, 14 दिन तक नहीं करते हैं तो पुराना हैंडल आपका चला जाएगा और नया वाला जो बना है वही रह जाएगा दोस्तों। ये बढ़िया न्यूज़ है। अपडेट नंबर टू दोस्तों, YouTube अभी आप चैनल को शेयर करना, किसी को दोस्तों को अपने चैनल लिंक बताते हैं या आप लिंक को शेयर कर दिए WhatsApp पे, अब यहाँ पे YouTube जो है हर एक चैनल के लिए QR कोड ला रहा है, यानी अब आपको अपने चैनल को शेयर करने के लिए QR कोड आप शेयर कर दिए, लोग स्कैन करेंगे और उस चैनल पे चले जाएंगे। ये फीचर बहुत जल्दी लाने वाला है YouTube। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे आप चैनल को शेयर करने का ऑप्शन होता है, वहीं पे नीचे में अब हैंडल के पास QR कोड भी दिखेगा जिसे आप शेयर कर पाएंगे दोस्तों, और अपने अपने दोस्तों के साथ कोलैब में या फिर जिस तरह से भी करना हो वो करके आप उसे एक बढ़िया तरीके से चैनल पे जा सकते हैं दोस्तों। तीसरा अपडेट जो है वो टेस्ट एंड कंपेयर जो थंबनेल फीचर था, जिसमें कि एक YouTube वीडियोस के लिए आपको 3 थंबनेल लगाने का मौका दिया जाता है, ये सक्सेसफुली सब कुछ रोल आउट कर दिया गया है। और इसमें YouTube कह रहा है कि हम लोग यहाँ पे CTR बेसिस पे जज करते थे कौन सा जो थंबनेल है वो बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि जो मेन मेट्रिक हम लोगों ने पाया कि वो वॉच टाइम है, और जिस थंबनेल पे क्लिक करने के बाद, तीनों में से जिस थंबनेल पे क्लिक करने के बाद ज्यादा वॉच टाइम मिल रहा है उसी को हम मानेंगे विनर थंबनेल, और मेन जो फोकस हमारा रहेगा वो आज भी वॉच टाइम ही रहेगा रैदर देन CTR। तो वॉच टाइम के हिसाब से YouTube जो है थंबनेल की AB टेस्टिंग, अगर आप 3 थंबनेल लगाते हैं तो जो बेहतर वॉच टाइम दे रहा है वही थंबनेल आपका मेन थंबनेल और विनर थंबनेल माना जाएगा, जो कि फ्यूचर में सभी को दिखाया जाएगा, राइट। चौथा अपडेट है एडसेंस पेमेंट के बारे में। अब तक से आपने सुना होगा कि सिर्फ एडसेंस का जो यूट्यूब का पेमेंट होता है वो एडसेंस अकाउंट में जाकर देखना पड़ता है, एडसेंस फॉर यूट्यूब में सेक्शन में वहां पे, लेकिन अब यहां पे कहा जा रहा है कि अब आपको जो पेमेंट है आपके यूट्यूब चैनल पे ही दिखाया जाएगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए अप्लीकेबल अभी तक था जो US डॉलर में पेमेंट रिसीव करते थे, लेकिन अब सभी, चाहे इंडियन रुपीज में आपसे अर्निंग करते हो, कुछ भी आपने सेट कर रखा हो, सभी को अब YouTube चैनल पे ही, अपने YouTube चैनल के अंदर ही अपने एडसेंस का फाइनलाइज अर्निंग और कितना लास्ट पेमेंट वगैरह मिला सब कुछ वहीं पे दिखे, आपको एडसेंस में जाने की जरूरत बहुत कम पड़ेगी, ठीक है। कुछ रीजंस के लिए केवल जाना पड़ेगा, एडसेंस हटाया नहीं जा रहा है, एडसेंस देख सकते हैं आप YouTube चैनल के अंदर ही अब, लेकिन कंडीशन एक है कि आपके पास सिर्फ एक ही और एक चैनल अगर लिंक्ड है तभी आप देख पाएंगे उसकी अर्निंग, लेकिन अगर आपको पूरा अर्निंग देखना है तो आपको एडसेंस में जाना पड़ेगा, मल्टीपल आप चैनल ऑपरेट करते हैं एडसेंस में तो, ठीक है। पांचवा अपडेट यहाँ पे कहा जा रहा है कि जंप ए हेड फीचर यूट्यूब लाने जा रहा है, इसकी टेस्टिंग कर रहा था यूट्यूब, यानी अगर कोई वीडियो आपका व्यूवर देख रहा है और वहाँ पे डबल टैप करने पे अब तक क्या होता था कि थोड़ा थोड़ा बढ़ता था वो वीडियो, ठीक है, तो अब यहाँ पे डबल टैप करने पे थोड़े दिन के बाद वो जंप अहेड, मतलब जो वीडियो जो है उसका जो मोस्ट व्यूएबल पार्ट है, जिसको रोज लोग ज़्यादातर रिपीट कर करके देखे हैं, जो मेन हाईलाइट है जो उसका, वो वहाँ पे वहाँ जैसे आप टैप करेंगे उस वीडियो को मेन हाईलाइट पे चले जाएंगे, जो मतलब सबसे एक्साइटिंग पार्ट है वहाँ पे, जितने एक्साइटिंग पार्ट हो उस वीडियो में सब पे डबल टैप करने पे वो डायरेक्टली चला जाएगा। तो ये यूट्यूब कह रहा है कि इससे देखा गया है कि काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं और इसको हम लोग जल्द ही रोल आउट करने वाले हैं। फिलहाल यही थे पांच अपडेट, हम आशा करते हैं अपडेट अच्छा लगा होगा। इसी तरह के YouTube अपडेट्स को आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे YouTube टिप्स और ब्लॉगिंग के बारे में नॉलेज हम देते हैं दोस्तों। धन्यवाद।